को क्या हो गया, अभी तो यही कोई बात नहीं मोहसिन, रमशा जल्दी आ गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज हम मौजूद हैं, ढोलकी होनी है मेरे साले की, तो उसकी तैयारियां जो है वो स्टार्ट है। लाइट्स वगैरह लग चुकी हैं, पूल वगैरह लग चुके हैं, और हम दोनों इधर जो है इधर इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि कोई चीज़ गलती ना हो। हमें ड्यूटी दी गई है इधर की। अभी सुबह का टाइम है, अभी हमारी तैयारियाँ जो है हम खुद तैयार नहीं हुए, हम बाहर का माहौल जो है वो तैयार कर रहे हैं। भाईजान लगे हुए हैं लाइट शाइट लगवाने। यहाँ एक छोटा व्लॉगर भी आया हुआ है सस्ता, अपना आईफोन लेके। मोहसिन भाई शक्ल तो दिखा दे, भाग क्यों रहे हैं? ये मेरा दूसरा साला निकम्मा, किसी काम का नहीं है। लोग मेरे नाम पे फेम ले रहे हैं गाइस, मेरी शक्ल दिखा के। शक्ल तुम्हारी है नहीं वैसे, फेम क्यों ले रहे भाई? मोहसिन तू आज कौन सा डांस कर रहा है? डालूंगा इसके मैं सारे क्लिप डालूंगा। मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। फ्रेंड गर्ल्स संभाल लेना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज होगा वो क्या कहते हैं। अरे तू जा रही। A few hours later. स्टार्ट हो चुकी है, हमारा बच्चा भी तैयार हो गया, मैं रह गया हूँ, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सेटअप लगा है। सब चक्रों में ना हमारी तैयारी रह जाती, लेकिन मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत 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 प्यारी लग रही है, इसका नजर ना लगे माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी फौरन तैयार हूँ, सारे पहुंचे, आहिस्ता आहिस्ता मैं ही रह गया। चलो जिम्मू जल्दी से चलें, फिर हमने तैयार भी होना है। बेगम घर में ना होना तो कपड़े शपड़े खुद ही इस्त्री करने पड़ते हैं फिर आपको। बेगम के फायदों में से एक फायदा ये भी है कि सारे कपड़े शपड़े आपको रेडी मिल जाते हैं, काम शाम आपका होता है, आपने आते होते हैं, पहनने होता है, काम पे जाना होता है। अगर बेगम ना होना तो ये हाल होता है। दो मिनट लगते हैं यार, हम दो मिनट में तैयार शहर होके वो रेडी हो जाते हैं, और अब हम जा रहे हैं ढोलकी के फंक्शन पे। जिम्मू लेट्स गो। हेलो, दुल्हन हमारी इधर आ गई और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही हसीन लग रही है। अल्लाह ताला इसको नजरबंद से बचाए। दुल्हन के साथ हमारी रमशा बाजी भी हैं, जिन्होंने सारे इंतजाम करवाए हैं। फंक्शन इधर स्टार्ट हो चुका है और हमारा जो ध्यान है वो सारा इधर खानों के ऊपर है। लाइव बारबेक्यू लगा हुआ है, लाइव टिक्के शिक्के लगे हुए हैं, मज़ा आने वाला है। फंक्शन से के साथ साथ खाने का भी बड़ा मज़ा आने वाला है। हाँ जी जम्मू, क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो? मौसम भाई आप गाना लगा दें, आपको वैसे काम काजों के लिए रखा हुआ है। बाबा बुलाने मैं जिमल और उसकी माँ इधर अंदर बैठ के इंजॉय कर रहे हैं फंक्शन। अंदर से हमें स्पेशल सेटिंग दी गई है क्योंकि जिमल की तबीयत नहीं ठीक, और जिमल हमें बिल्कुल बाहर अफोर्ड नहीं करना चाह रही। ता कर दो, ता और हूँ भी कर दो, हूँ कर दो।
जानू रोटी कब खुलेगी? रोटी खुलेगी 12 बजे के बाद। तब तक तो मैं मर गया हूँ। ओए होए नवाजा जी आ गए हैं पाकिस्तान, वापस लौट आए हैं दवाई लेके। मानो तुम्हारे दिलों का लीडर आ गए हैं नवाज शरीफ। जिमो कैपिंग, विमल कैपिंग, तुम्हें बंद करवाते हैं हम। हमारा जो फेवरेट काम है वो शुरू हो गया है, रोटी। और मैं भी रोटी खाने जा रहा हूँ। रोटी छोटी हमने खा ली, अब जरा ढोलकी एंजॉय करें जाके बाहर। ढोलकी स्टार्ट है, हम जरा जाके अपनी बेगम को भी अंदर देखें और बेटी को भी देखें। हम लोग, मेरी बेगम ने तो कपड़े चेंज कर लिए, मेरा बच्चा, हम दोनों तीनों अंदर से एंजॉय कर रहे हैं आपका, क्योंकि बाहर अब ठंड होगी और हम बाहर जा नहीं सकते अपने छोटे बेबी को छोड़ के। हमारी रमशा बाजी जो है वो कोई स्पेशल स्पीच करने वाली है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मुझे पता था तुमने क्या बताना है। तुमने जल्दी जाना है, तुमने तभी ये किया ना। I'm so sorry, I can't have any of it. क्योंकि ये छोटा सा तुमसे नहीं कर सकता। मेरी फ्लाइट 3 दिन बाद है ना। क्या करूँ? क्योंकि अगर मैं बिना गया तो मैं फोर्स करके बस वीजा अप्लाई नहीं कर पाऊँगी। ये बहुत जरूरी है दाना, वरना यू नो हाउ मच आई लव यू एंड हाउ मच योर वेडिंग मींस टू मी। हम मालूम है। मुझे पता था कि तुझे पता है कि मुझे रमशा बाजी जिन्होंने ये सारा सेटअप किया था वो इसलिए था क्योंकि वो जा रही हैं, एसएम की बहुत अच्छी दोस्त है, उनकी फ्लाइट है तो वो शादी में नहीं हो पाएंगी। और इसका मोहसिन को सख्त दुख है, मोहसिन अभी तक सदमे में ही है। हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि कोई तकलीफ नहीं होती। मोहसिन अपने लिए भी एक ग्लास ले आना। मोहसिन से तो मिलती जाना यार। सबसे ज्यादा दुख मोहसिन को हुआ है। मोहसिन लेकिन धोखा तो मोहसिन के साथ हुआ। रमशा के जाने का हम सबको बहुत दुख है क्योंकि वो बहुत एंटरटेनमेंट शो कराती है और हमेशा फुल पार्टिसिपेट करती है और मुझे बहुत दुख हो रहा है। मानूर आपको भी दुख है रमशा के जाने का? झूठे आंसू ना पाओ, तुमने पहले बोल दिया। मेरी बेगम को दुख होना हो लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दुख है रमशा के जाने का। चल झूठा। माइन आपको भी रमशा के जाने का दुख है? मुझे बहुत दुख है, आप मुंह पे ले आए। नहीं ये पीछे ही है उसका, शो नहीं होता। मोहसिन, मोहसिन राम से पागल हो चुका है। मोहसिन रमशा के जाने का आपको दुख है? बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं मोहसिन, आ जाएगी जल्दी वापस। कोई बात नहीं मोहसिन, रमशा जल्दी आ जाएगी वापस। आ जाएगी वापस। फाइनली दिमाग की भी दोस्ती होगी इस बच्चे के साथ, वरना पूरा टाइम झगड़ा चाह रहा था। नहीं हुई, नहीं दोस्ती हुई दिमाग, दोस्ती नहीं हुई। आपकी दोस्ती होगी दिमाग के साथ? नहीं। और हमारा फंक्शन जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, सबने कपड़े शपड़े चेंज कर लिए, मैं वैसे का वैसे ही बैठा हुआ, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सेटअप था, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया और बहुत ही, ये मेरी बीवी कपड़े सबसे पहले इसी ने चेंज किए हैं। आज हमारे व्लॉग की एंडिंग मोशन करेगा, कपड़े तो चेंज कराए हैं रिमशा के दुख में। सो गाइस मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ठीक है,
बॉडी फ्लैक्स कर रहा है अपनी, देखते रहिए। ये है जी रमशा, रमशा तुम्हारे जाने का हमें बहुत दुख है, सबसे ज्यादा मौसम क्यों है। जैसे ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं शादी पे नहीं हूँ, प्लीज मुझे मिस करना। सबसे ज्यादा पारस मिस करेगी, लगे हमारे ब्लॉगर है ये। मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। अच्छा मेरे ना कह रहे। हमारा आज का ब्लॉग हो चुका है खत्म और बहुत एंजॉय कर लिया हमने। मैं थक गया, पता नहीं कब ये एडिट होगा और फिर अपलोड होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इंतज़ार करें।